विराट कोहली की गैर मौजूदगी में भारतीय टीम की कमान रोहित शर्मा के हाथ में थी और रोहित की कप्तानी में बांग्लादेश को हराकर भारत ने त्रिकोणीय ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। रोहित शर्मा ने इस टूर्नामेंट में बतौर कप्तान 5 में से 4 मैचों में जीत हासिल की और टीम को खिताब दिलाया। अब इस बीच रोहित शर्मा ने महानता की नई मिसाल पेश की है। रोहित ने एक श्रीलंकाई तेज गेंदबाज को 15 किलोमीटर दूर जाकर खास तोहफा दिया। असल में श्रीलंका के युवा गेंदबाज केविन फर्नांडो ने रोहित को शुरुआती मैचों से पहले नेट प्रैक्टिस कराई थी, लेकिन नेट प्रैक्टिस सेशन के दौरान ही फर्नांडो को ऋषभ पंत के एक शॉट से चोट लग गई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। ऐसे में टीम इंडिया जब फाइनल में पहुंची तो फाइनल मैच से पहले रोहित शर्मा अपने टीम होटल से 15 किलोमीटर दूर फर्नांडो से मिलने गए और उनका हालचाल पूछा। ये नहीं, रोहित ने फर्नांडो को फाइनल मैच के 2 VVIP मैच पास भी गिफ्ट के तौर पर दिए। केविन फर्नांडो भी अब काफी बेहतर हैं और रोहित के दिए पास लेकर ही वो बांग्लादेश भारत का फाइनल मैच देखने भी पहुंचे। वैसे हर विदेशी सीरीज में नेट बॉलर्स मंगाए जाते हैं और उनसे बॉलिंग भी कराई जाती है, मगर एक नेट बॉलर के लिए रोहित शर्मा की इतनी दरियादिली वाकई उनके लिए सम्मान पैदा करती है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।